सकते हैं सभी हमारे कोलकाता के जाने माने प्लेयर आए हुए और सभी को इंतजार कर रहे हैं क्या जी? जी भाई, और अभी कॉमेडी आ रहा होगा, ऑन द वे पे होगा आई थिंक सो, और कुछ बातें भी करेंगे सभी दोस्तों लोगों से हम। और भाई कितना आने में यहाँ से? काफ़ी दूर है दोस्त, देख सकते हैं अमर भाई हमारे बोल रहे हैं, हमको भी काफ़ी दूर लगा। हम तो साउथ पोल से, नॉर्थ पोल से आ रहे हैं, काफ़ी दूर से में एंट्री करेंगे और चलिए चलते। देख सकते हो दोस्तों, अभी हम लोग की जो क्लब की टीम है जो अभी अपने पतंग को रेडी कर रहे हैं, हवा किस तरह डायरेक्शन पहले देख लेंगे, उसके बाद कॉमेडी के मेंबर देख सकते हैं आप रेडी हो रहे भाई हमारे। सैम किसी का गेम हो रही है दोस्तों, और ये देख सकते हैं किसी का बाइक बैक हमारे स्कूटी पे है आज, और बढ़िया लग रहा है कि दोनों टीम के मेंबर आ गए हैं। अभी बस थोड़ी देर बाद ही टॉस होगा और गेम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं उस तरफ भी कुछ लोग हैं, इस तरफ भी है, कॉमेडी के मेंबर काफ़ी हट रहे हैं दोस्तों। बस लिटिल बिट 5-10 मिनट के अंदर ये गेम चालू हो जाएगी, टॉस के बाद हम आपको दिखाते हैं। भाई हमारे देख सकते हैं एक्साइटेड है काफ़ी आज पिच लड़ाने के लिए। पौने की गेम हो रही है दोस्तों, अच्छी बात है कि कोलकाता में पौना का टूर्नामेंट हो रहा है दोस्तों। गुड आफ्टरनून, देख सकते हैं आज हमारे साथ में हमारे समीर भाई है, और पहला गेम आज हम लोग का समीर भाई से ही होने वाला है, डी के सी वर्सेज सैम के सी, तो बहुत बढ़िया गेम होने वाला है, आपको बेस्ट ऑफ लक। आपको भी दोनों भाई का गेम है आज, तो दोस्तों आज गेम काफ़ी बढ़िया होगा, और जो भी भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चेष्टा करेंगे पूरा वीडियो बनाने का। ऐसे तो कैमरा थोड़ा ख़राब है मेरी मोबाइल की, बट आप लोग का सब्सक्राइब करने से हमारे एक समय आएगा जो बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने का। नहीं थोड़ा ख़राब आ रहा दोस्त, ऐसा भी नहीं, मगर आप लोग आशीर्वाद प्यार रहेगा तो और बढ़िया वीडियो आएगा। तो चलिए दोस्तों टॉस की ओर चलते, दो भाई के द्वारा टॉस होगा, टॉस की ओर चलते यार। हमारे सैम भाई को हम बोले, बोलिए आप ही बोलिए, क्या बोलिएगा? आइए दोस्तों देखिए, एक तरफ में हम है ना, भाई है ना, चलिए दोस्तों भाई बोलेगा मेरा, नीचे गिरेगा, हाँ नीचे हाथ में ले लो सबसे बढ़िया रहेगा। तो आइए दोस्तों, ये टॉस हुआ और ये हेड हेड गिरा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो टॉस को जीत लिए, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ जगह ठो, ठीक है? हेलो भैया सुन लीजिए, जी बताइए बताइए। जीता ना जी, वो अगर साइट लेगा तो अगला को पिच, अगला को घर मिलेगा, हाँ हाँ, वो घर लेगा तो अगला साइट, हाँ जी आपको पता है, हम साइड ही लेंगे, बस हम थोड़ी सी वेट कर रहे हैं बस फॉर 2 या 3 मिनट्स, उसके बाद मैं बता देता हूँ, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग टॉस जीत गए डीकेसी, और ये देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ग्राउंड है, और आप लोग थोड़ा बता दीजिए जो टूर्नामेंट करा रहे हैं थोड़ा सा। अमर भाई इधर आइए एक बार, सुन लीजिए दोस्तों, बता रहा ज़्यादा नहीं लड़ पाएगा, ठीक है? तीन प्लेयर का टीम है, आप दो प्लेयर भी आप लड़ा सकते हैं, तो तीन भी लड़ा सकते हैं, लेकिन टू टू थ्री भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेयर चार से ज्यादा नहीं, पहला बात है। अच्छा, दूसरा बात है हम लोग का क्लियर कट पैच नहीं, मुड्डा वाला। अच्छा, एक पेजर का जैसे बल चक्कर में इसका बल में है, ये अगर टूट गया तो तबला है जी, हाँ उसको सीधा करना होगा, उड़ने वाला नहीं है, जैसे आप गद्दा मारे ना, गद्दा मारे यहाँ से पलटी करना होगा, उठाना होगा पतंग को, ये चला गया। और जो मेन चीज क्या है जी, मान लीजिए आप नीचे से गए, ऊपर से गए, सही लिया, ऊपर उठा लिया पतंग, अभी ऊपर से पकड़ के कन्ना पकड़ रहे, हाँ दो बार सही कैंसिल करेंगे, अगला को टिकट देना होगा। नीचे वाला का भी सेम है, आप नीचे से हो, अगला बैठने चाह रहा है, बचा रहे, दो बार खाली दो बार सही कैंसिल होगा, टिकट देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, ये वाला चीज आपने जान गया, खुल जाने से पेज किसका होगा, सही होने से कन्ना खुल जाने से अगला को पेज मिल जाएगा, अच्छा पतंग फट भी जाएगा, अगर, तो अगर पेज में आया लगे कट के चला गया अगला का, मेरा गुड्डी फट गया वो तो नहीं, अगर अगर ये पेज है ठीक है, सही हो गया, आप काट दिए यहाँ पे, आपका 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 काट के यहाँ पे आ गया, फट गया आपका ही पैच है, पर सेकंड का भी अगर पहले भी कट जाता है तो आपका पैच है, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो और एक चीज जानकारी देना है कि जो पतंग आप नाप रहे हैं ना, कौन सी साइज की चल रही है, पतंग का साइज हम लोग बता दीजिए, मंजा भी चेक करेंगे, जो मंजा हम लोग को गलत लगेगा वो अपना कमिटी के पास रहेगा जी, जाने का टाइम लेके चला जाएगा। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, और 23 से 24 और कमान 26 एक तो नाप के दिखाइए, नाप के दिखाइए, आइए दोस्तों देख सकते हैं, ये अभी नाप पूरा है 26 ओके 23 तो दोस्तों ये वाली साइज चलेगी टूर्नामेंट में, ठीक है? अगर इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो क्या होगा, रिजेक्ट, ठीक है? तो पूरा सब बोलो, एक दो सूत चले जाएगा और कुछ नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ओनली सिंगल कलर ही चलेगी पतंग, इसमें आप कोई तरह की डिजाइन नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये चीज को जानकारी ले लेना है, सभी भाइयों को बताना है हमको जो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लिए भाई, जी जी चलिए, दोस्तों देख सकते हैं ये पतंग नहीं चली, रिजेक्ट हो गई, ओनली फॉर सिंगल कलर ही चलेगा दोस्त।
टाइम का है उतना भाई, हमको गेम जल्दी खत्म करना है। नहीं मान के चले दो पतंग खिंचकर चढ़ा हुआ है, उसका क्यों लगा दोनों साइड का पतंग काला होना चाहिए क्या भाई, ब्लू होना चाहिए। चलो और एक चीज के बाहर वाला जो पतंग है हल्का बाहर वाला जा रहा है, नीचे से भी अलाउ ऊपर से भी अलाउ है। अंदर पतंग हाँ। नीचे से भी अलाउ नहीं है ऊपर से भी अलाउ नहीं है, कुंडल में अलाउ नहीं है ना। नहीं अगर सुन ले मान लीजिए अगला खेल लेगा ऊपर से खेल लेगा अंदर वाला पतंग तो उसका अलाउ है। चलिए दोस्तों आपने जान लिया भाई, पतंग एकदम बढ़िया रखना, वही दो खराब निकलेगा टिकट मिल जाएगा अगला को, सब सोच के छोड़िएगा जी भाई। चलिए खराब निकलेगा उसके बाद टिकट दे दो। चलिए दोस्तों ये देखिए मंजा चेक हो रही है भाई, और 1 2 3 डोरी यूज किया जा रहा है, देखिए किस तरह से मंजा को चेक कर रहे भाई हमारे। चलिए दोस्तों दिखा रहा हूँ, जो मंजा लगेगा आप वही देख को चेक किया जा रहा है, और एक और मंजा जी, ये सब ओके, इसका मतलब ओके परफेक्ट। नहीं से तोड़ दीजिए क्या मजा अच्छा बस तो ये चेक हो गया, इसके बाद बस थोड़ा देर बाद ही हम लोग पतंग को छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये चीज जान ले कि अगर कोई भी पतंग बिना स्टैम्प का पैच लड़के वो उतरेगा अगर ग्राउंड पे, जितना भी पैच वो काटा होगा सब कैंसिल हो जाएगा। तो सभी भाई जान लीजिए स्टैम्प रहना पड़ेगा कंपलसरी, अगर कोई पतंग में स्टैम्प नहीं रहेगा वो पतंग छोड़ेंगे तो कैच पैच ये हो जाएगी। लेके आ गए, और आज हम लोग क्लब का गेम लड़ रहे हैं दोस्तों, एकदम टूर्नामेंट की पहला दिन है, और हमारे देखते हैं क्या होता है दोस्तों, पूरा बताएंगे अपडेट, बढ़िया गेम होने वाली आज। टॉस दिखाते हैं, दूसरी टीम की टॉस हो रही है दोस्तों, दोनों टीम का नाम जान लेंगे, क्या नाम है आपका टीम का? सिलपारा काइट क्लब। चलिए आपको भी बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से लड़ाई, और आपके साथ में कौन लड़ाने वाले है, क्या नाम है भैया आपका क्लब का? हाँ सुमंतो। सुमंतो कैसी? सुमंतो को बरदान काइट। बरदान काइट, चलिए आइए दोस्तों, चलिए बरदान काइट के साथ में गेम है। ये देखिए उठाया टॉस, और ये तेल आया दोस्तों तेल, चलिए हाँ भाई दोस्तों टॉस बरदान किसी ने जीतने के बाद अभी बताएंगे कौन सा साइड लेंगे, अभी वेट कर रहे हैं। आपने साइड राइट जा रहा है, राइट साइड लेंगे आप तो चलिए दोस्तों टॉस जीतने के बाद राइट साइड का दिखा देते हैं। रिंग हो रही है, रिंग के अंदर में गेम होगा दोस्तों, ठीक है। इस रिंग में आपको पता है रिंग पे कैसा लड़ाया जाता है, और ये देख सकते हैं अभी रेडी हो रही है रिंग, हो जाने के बाद हम आपको जरूर दिखा देंगे। चार बिट्टू चार, पहला पेज की तरफ चलेंगे हम लोग, देख सकते हैं हमारा सभी भाई आए दोस्तों, देख सकते हैं पतंग रेडी हो रही है, आप बस गेम की तरफ बैठेंगे। अपोनेंट जो खिलाड़ी है हमारे सैम केसी के, उनका पतंग चल गया ऑलरेडी, अब हम लोग की पतंग जाएगी इधर से, उसके बाद हम आपको पेज दिखाएं। आए दोस्तों पेज दिखाते हैं, पहला टूर्नामेंट का पहला दिन, और ऊपर से हमारे विश्वविद्या के द्वारा ला रहा है डी के सी, और नीचे से सैम केसी हमारे समीर भाई के द्वारा। ये देखिए बाहर की तरफ दोनों दोनों को नोचा, बहुत बढ़िया विश्वविद्या ने पेच को काटा दोस्तों, काफ़ी लाजवाब गद्दा मार के बाहर की तरफ बहुत बढ़िया पेच काट दिया दोस्तों। इसी के द्वारा स्कोर होगी दोस्तों 1-0, बढ़िया पेच विश्वविद्या के द्वारा। जो भी हमारे भाई चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। देख सकते हैं सैम केसी के सारे खिलाड़ी इधर है, और डी के सी के सारे खिलाड़ी इस जगह पर है दोस्तों, बढ़िया गेम हो रही दोनों के बीच में। अब चलते दूसरी पेच की ओर दोस्तों, तो देख सकते हैं हमारे जॉली भाई के द्वारा मांझा दिया हुआ, काफ़ी बेहतरीन मांझा। चलिए दोस्तों भाई का पेज देखेंगे हम, सिलपारा किसी ना भाई अपना हाँ। चलिए दोस्तों पेज की तरफ आप चलते हैं, तो सिलपारा जो काइट क्लब है उनका सब देखने वाले हमारे भाई आए हुए, तो कैसा लगा आपको पहले ही बताया ग्राउंड? खूब भलो ग्राउंड, आशा करी हवा जान भलो थे, भलो खेला है, हवा जान भलो खेलते पारे, राइट राइट এটাই আমার কামনা রইল। চলো ওকে, আপনাদের টিমে কে কে লড়াচ্ছে? রাকেশ দা আছে কি? রাকেশ দা আছে, বুদিয়া আছে, আর ছোটকা আছে। ছোটকা ভাই আমারে, বড়িয়া গেম হোনে ওয়ালা দোস্তো, আজকে যে গেম দেখিয়ে কাফি লাজবাব হোনে ওয়ালা হ্যায়, আর পাউনি কি গেম হো রহি হ্যায়, ইয়ে দেখ সকতে হো দোস্তো, সবই পতঙ্গো রেডি করতে হুয়ে ভাই আমারে, আব চলেঙ্গে হম লোগ পেজ কে, বরদান কিসি কে খিলাড়ি রেডি হো রহে, উপর সে লড়াঙ্গে, ইয়ে হ্যায় রিং দোস্তো, রিং কা রুল তো আপকো পতা হ্যায় কি রিং মে টাচ হোনে সে আপ ডিসকোয়ালিফাই হো জায়েঙ্গে। হু তো উলাটাই কিছু নেই।
ठीक है। तो ये पीछे से हमारे भाई सपोर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों पेज की ओर चलते हैं। बरदान किसी भर से सिलपारा काइट क्लब के गेम है। चलिए दोस्तों पेज को देखते हैं। नीचे से हमारे सिलपारा के काइट क्लब लड़ा रहे, ऊपर से हमारे बरदान किसी के प्लेयर लड़ा रहे। चलिए दोस्तों पेज को देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन सा प्लेयर काटा है। इसके आगे आपने डीकेसी वर्सेस सैम का मैच देखा, काफ़ी बढ़िया। अब आप देख रहे हैं बरदान किसी वर्सेस सिलपारा। आइए दोस्तों पेज को देखते हैं। ऊपर वाली पतंग जो देख सकते हैं हमारे बरदान किसी के खिलाड़ी लड़ा रहे, नीचे से सिलपारा गाइड क्लब। चलिए दोस्तों पेज को देखते हैं। बढ़िया पेज होते हुए दोनों के बीच हवा थोड़ी सी कम है दोस्त, सही का इशारा हो गया। इस समय कुछ भी होने से आपका समझ सकते हैं कि पेज अगर टूट भी जाएगी तो पेज मिल जाएगा अपोनेंट को। तो इसलिए दोस्तों पेज को देखेंगे गौर से। ये देखिए क्लोज कर रहे हैं ऊपर से बरदान किसी के खिलाड़ी। पेज को गौर से देखते रहिए दोस्तों। बढ़िया जगह पे रखे हैं पतंग को, फिर से बाहर की तरफ दिखाया रखा है जगह पे, बाहर की तरफ नोचते हुए बढ़िया क्रॉस किया भाई। क्या पेज काटा बरदान किसी के खिलाड़ी ने, काफ़ी लाजवाब पेज काटा दोस्तों, लाजवाब पेज आपने देख सकते हैं। बहुत अच्छा काट दिया बरदान किसी। स्कोर हो गए दोस्तों 1-0। दोस्तों दूसरी नंबर पेज देखते हैं हमारे सबीर भाई के द्वारा, नीचे से लड़ा रहे डी किसी के खिलाड़ी, ऊपर से हमारे पोचू भाई सैम किसी की तरफ से लड़ा रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों पेज को देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप के कारण दोस्तों सही से नहीं दिखा पा रहे, चेष्टा ही रहेगी, इस बढ़िया से दिखाएंगे। हवा बहुत कम है दोस्त, जो भी पतंग लड़ रही है खींचतान के पतंग लड़ रही है। चलिए थोड़ी सी स्क्रीन को ठीक कर लेता हूँ। आइए दोस्तों पेज की तरफ चलते हैं। नीचे वाले पतंग सबीर भाई की, हमारे ऊपर से पोचू भाई सैम किसी के खिलाड़ी। स्कोर चल रही है दोस्तों 1-0। एक पतंग से लीड करते हुए डीकेसी, देखते हैं हमारे पोचू भाई क्या करेंगे इस पेज में। रिंग में गेम हो रही दोस्तों, ये बहुत बढ़िया गेम हो रही रिंग पे। अच्छा लगता है जब रिंग पे गेम लड़ती है, दोनों खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। चलिए पेज को गौर से देखते हैं, वेट कर रहे हैं थोड़ी सी पेज में। पेज काफ़ी देरी तक हो रही है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारे पोचू भाई फिर से बैठाए, अंदर की तरफ रुक दे के रखा है। सबीर भाई वेट कर रहे हैं, ये देखिए डुबाया जगह पे, सही का इशारा हो गया। फिर से ऊपर की तरफ पतंग लेकर गए हमारे पेच हो जाने के बाद दोस्तों दिखाऊंगा। ये देखिए फिर डुबाया, फिर से बाहर की तरफ, बढ़िया नीचे की तरफ अटैक करते हुए दोस्तों, जो आई नहीं। पेच अभी भी ऑन है दोस्त, ये देखिए फिर से इस बार बहुत बढ़िया काट दिया हमारे पोचू भाई ने, और स्कोर हो गए दोस्तों 1-1। आए दोस्तों पेज दिखाते हैं। नीछे से बरदान किसी लड़ा रहे, ऊपर से मंडल छुटका। पेज को देखते हैं, देखते रहिए दोस्तों। एक पतंग से लीड करते हुए हमारे बरदान किसी जीत रहे दोस्तों। आए दोस्तों दूसरी नंबर पेज रहेगी उनकी। मंडल छुटका के खिलाड़ी जो है ऊपर से काफ़ी बढ़िया अटैक कर रहे हैं बरदान किसी के खिलाड़ी। ये देखिए नीचे की तरफ दिखाते हुए, बढ़िया जगह है पतंग के पेज होते हुए दोस्तों, बहुत तगड़ा नीचे की तरफ मारा है दोस्तों। देखते अभी क्या होता है। ये देखिए फंसा लिया पतंग को ऊपर की तरफ भाई, अभी भी नहीं बता सकते। पेच मेरे ख्याल से मिल गई बरदान को, दो पतंग से लीड करते हुए। स्कोर हो गई दोस्तों 2-0 भाई के द्वारा। पेच काफ़ी बढ़िया पेच, दो पतंग काटे भाई हमारे और स्कोर कर दिया 2-0। क्या भाई बेहतरीन पेच, बेहतरीन पेच, बढ़िया है। प्लेयर से ही पूछ सकते भैया कैसा लगा आपको, जगह बताए। जगह भाई, जगह बता दें आपको, एक नंबर जगह है दोस्त। अब हम खेला दिखाएंगे, हमारे वाइट डेबल के खिलाड़ी लड़ाएंगे हमारे भाई जमशेद भाई हमारे। स्कोर क्या चल रहा है दोस्त आपका? हाँ, फटाओ रहने दे, फटाओ रहने दे। पहला पेज ना इसके आगे एक लड़ गया, दूसरा पेज। चलिए दोस्तों पेज की दोस्तों दूसरी नंबर पेज देखते हैं। हमारे वाइट डेबल के खिलाड़ी लड़ा रहे हमारे जमशेद भाई, नीचे से स्कोर है 1-0। एक पतंग से लीड कर रहे हैं हमारे वाइट डेबल के खिलाड़ी, बढ़िया लड़ाएंगे। देखते हैं दोस्तों दूसरी नंबर पेज रहेगी टूर्नामेंट के। काफ़ी अच्छी पतंग लड़ रही है, पौनी की गेम हो रही है, हवा थोड़ी सी कम है। चलिए दोस्तों पेज की ओर चलते हैं हम लोग। नीचे वाली पतंग वाइट डेबल के खिलाड़ी, ऊपर से सिलपारा। आए दोस्तों पेज देखते हैं, सही का इशारा हो गया दोस्तों।
अब देखते हैं क्या होता है। हमारे नीचे से है सॉरी वाइट डेवल के खिलाड़ी दोस्तों, बढ़िया गेम लड़ा रहे हैं अभी, देखते हैं क्या होता है। सील पारा के ऊपर से लड़ाते हुए जगह पे रखा है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया पेच काट दिया, बहुत बढ़िया पेच जमशेद भाई के द्वारा, और स्कोर कर दिया दोस्तों 2-0। लाजवाब पेच आप देख सकते हैं हमारे जमशेद भाई के द्वारा, ये वाली पेच थी बहुत लाजवाब पेच काटा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं दूसरी पेच की ओर, दोस्तों पेच को देखते हैं। नीचे से हमारे पोचू भाई लड़ाएंगे सैम केसी के खिलाड़ी, अभी स्कोर चल रही दोस्तों 1-1, और ऊपर से हमारे विश्वविद्यालय लड़ाएंगे डीकेसी के खिलाड़ी। चलिए दोस्तों पेच की ओर आए, दोस्तों पेच को देखते हैं। नीचे वाले पतंग पोचू के, ऊपर से हमारे विश्वविद्यालय लड़ा रहे, बढ़िया गेम लड़ते दोनों के बीच में, बचा लिया हमारे विश्वविद्यालय, ऊपर की तरफ लेकर आए। पेच को गौर से देखेंगे दोस्तों, काफ़ी बढ़िया जगह पे गेम लड़ रही है दोनों की, ये देखिए खींचते हुए रखा है विश्वविद्यालय की पतंग, लगी और कट गई दोस्तों, बढ़िया पेच काट दिया पोचू भाई ने हमारे, कर दिया दोस्तों 2-1। तो पेच देखते हैं राकेश भाई के द्वारा, नीचे से लाएंगे और ऊपर से सुमंतो भाई। चलिए दोस्तों पेच की ओर, पेच को देखते हैं उसके बाद क्लब का नाम जरूर बता देंगे दोस्तों। हवा थोड़ी सी कम है, बढ़िया गेम हो रही दोनों के बीच। चलिए दोस्तों पेच को देखते हैं, इसके आगे आपने डीकेसी की पेच देखा, काफ़ी बढ़िया काट दिया हमारे पंचू भाई, बढ़िया जगह मिला उनको, खींच के ऊपर की तरफ लेकर आ गए और उनको पेच मिल गया। चलिए दोस्तों आप पेच को देखते हैं, इस बार हमारे राकेश भाई की पतंग काफ़ी पार रखे हुए दोस्तों, बढ़िया पतंग लड़ा रहे, थोड़ी सी हवा कम है। चलिए सही कैसा हो गया दोस्तों, व्हिसल बज गया है, ये देखिए उठा कर दिया ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ रुक दे के रखा है भाई हमारे, ऊपर खींचते हुए एकदम मौका नहीं दे रहे राकेश भाई, बढ़िया खिलाड़ी राकेश भाई। ये देखिए झोल झोल लेकर बाहर की तरफ, इस बार बढ़िया पेच काट दिया सुमंतो भाई, हमारे राकेश भाई कट गए झोल खींचने के चक्कर में, हमारे राकेश भाई की पतंग कट गई। तो आई दोस्तों स्कोर बता देते, स्कोर डुबलो दो अभी, वरदान और मंडल शूट का 3-0, वरदान 3-0 है, ओके ठीक है। डीकेसी वर्सेस सैम्स, ओके अभी सैम्स के सी 2-1 है जी, ठीक है जी। और एक एक चल रहा है आपका व्हाइट डेविल वर्सेस सिलपारा जी, इसमें व्हाइट डेविल 2-0 से आप चलिए, ओके दोस्तों देखते हैं। नीचे से हमारे सिलपारा लड़ा रहे, ऊपर से व्हाइट डेविल, चलिए दोस्तों थोड़ी क्लोज चले जाते, इससे आपको पतंग दिखेगी दोस्तों, बढ़िया जगह पे सिलपारा के खिलाड़ी नीचे से लड़ा रहे, ऊपर से व्हाइट डेविल, पेच को गौर से देखेंगे, ये देखिए व्हाइट डेविल के खिलाड़ी नीचे की तरफ बैठाया भाई, चक्कर के साथ बाहर की तरफ इशारा कर रहे, फंसा लिया दोस्तों। चलिए आप पेच को देखते दोस्तों, बहुत बढ़िया जगह पर फंसा है, चलिए थोड़ी सी क्लोज चले जाते हैं दोस्तों, इससे आपके पतंग अच्छी सी दिखेगी, देखते रहिए दोस्तों, बढ़िया फंसाया है, बहुत बढ़िया काट दिया व्हाइट डेवल के खिलाड़ी ने, काफ़ी लाजवाब पतंग काटा। ये मेरे गोरा भैया है 100%, और वही इस तरह के पेच काट सकते हैं, देख सकते हमारे गोरा भाई के द्वारा पेच थी ये वाली, अच्छी पतंग काटते हैं दोस्तों फंसा कर, बढ़िया पेच काटते, ये देखिए हमारे गोरा भाई है, और हमारे पहाड़ी भाई आएंगे लड़ाने के लिए, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। स्कोर हो रही है दोस्तों 2-1। चलिए दोस्तों ऊपर से लड़ाएंगे फिर से पंचू भाई हमारे सैम किसी के खिलाड़ी। चलिए दोस्तों इसके आगे आपने जो पेज देखा व्हाइट डेबल वर्सेस सिलपारा, बहुत बढ़िया काटा हमारे, पेज दिखाते ऊपर वाली पतंग मंडल छुटका से लड़ा रहे, नीचे से वरदान किसी, आइए दोस्तों पेज को देखते हैं, बहुत पार रखे हुए मंडल छुटका के खिलाड़ी, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वरदान किसी के खिलाड़ी की पतंग थोड़ी सी कम है दोस्तों, घट है। चलिए दोस्तों पेच को गौर से देखते हैं क्या होता है, बहुत अंदर तरफ ले जाके डुबाया भाई, सही का इशारा हो गया दोस्तों, ये देखिए बढ़िया पतंग चला रहा है भाई, दायां बायां करके अंदर की तरफ रुक रखा है, नीचे की तरफ डुबाया भाई हमारे, अंदर की तरफ फिर से बाहर की तरफ बहुत तेज़ से खींचते हुए भाई, बढ़िया पेच काट दिया वरदान किसी के खिलाड़ी, काफ़ी लाजवाब पेच देखा भी वरदान किसी के, जो मैच हो रही थी अभी कैसा लड़ा पेच बताइए, बहुत अच्छा लड़ा, और इस काट दिया जी, और इस पेच के दौरान स्कोर हो गया दोस्तों 4-0। चलिए दोस्तों आप चलते हैं हमारे डीकेसी के खेल लड़ेगा गेम, तो उस गेम को दिखाएंगे दोस्तों, पेच दिखाते हैं। नीचे वाली पतंग पहाड़ी भाई लड़ा रहे हमारे, ऊपर से हमारे पंचू भाई, क्लब का नाम बताते हैं, नीचे वाली पतंग हमारे डीकेसी लड़ा रहे हैं, ऊपर से सैम केसी, स्कोर चल रही है दोस्तों 2-1, एक पतंग से लीड करते हुए सैम केसी, बढ़िया गेम लड़ रही दोनों के बीच में। चलिए दोस्तों पेच को देखते, सही हो गया दोस्तों, देखते रहिए पेज को गौर से दिखा रहा हूँ, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट हो रही है, पौनी की टूर्नामेंट हो रही है, बार बार मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, बढ़िया गेम लड़ रही है, हवा थोड़ी सी कम है, ये देखिए नीचे की तरफ डुबाया भाई हमारे, बढ़िया पतंग रख रहे, ये डुबाया जगह पर रखा है अंदर की तरफ, ये देखिए क्रॉस
बढ़िया काट दिया दोस्तों, पेच नहीं दिखी होगी बट बहुत बढ़िया काट दिया पंचू ने और स्कोर कर दिया दोस्तों 3-1। भी कट गया दोस्तों, अच्छा ट्राई किया था हमारे भारी भाई। फिर से पेच देखते हैं, क्लब का नाम दोस्तों हम आपको बता देंगे, पहले पेच को देखते हैं। पेच को दोस्तों गौर से देखिए, पेच हो जाने के बाद बता देंगे कौन सा खिलाड़ी लड़ा रहे। ये देखिए डुबाया जगह पे रखा है पतंग को बाहर की तरफ चमका के। ये देखिए अटैक किया अंदर की तरफ, बहुत बढ़िया दिखाया है, बढ़िया पेच काट दिया भाई। देखिए किस तरह से गद्दा मारा और काट दिया, लाजवाब पेच थी दोस्तों, काफ़ी बढ़िया पेच। सिलपाड़ा की तरफ से भाई बिट्टू भाई ने काफ़ी बढ़िया पेच काट दिया दोस्तों, बढ़िया पेच बिट्टू भाई के द्वारा। देखा हमारे सिलपाड़ा के जो खिलाड़ी थे बिट्टू भाई, अभी एक पतंग काटे हैं और स्कोर दोस्तों है 1-3। बीर भाई जा रहे पतंग लगाने के लिए, स्कोर हो गई दोस्तों 3-1। चलिए दोस्तों पेच को देखते हैं, बढ़िया गेम लग रही है दोस्त। हवा कम होने के कारण थोड़ी सी देरी हो रही है बट गेम बहुत लाजवाब लग रही है। पेच दिखाते हैं ऊपर ये पतंग सबीर भाई की, ये स्कोर चल रही है दोस्तों 3-1। नीचे से पंचू भाई हमारे हैं, सैम किसी के खिलाड़ी और सबीर भाई ऊपर से है। चलिए दोस्तों पेच को गौर से देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों इस पेच में। इस सामने गाछ आ जा, इस कारण मेरी थोड़ी सी पिक्चर ख़राब आ जा रही दोस्तों। चलिए थोड़ी सी देखता हूँ, बढ़िया से दिखाने का चेष्टा करूँगा। इसके आगे वाली तो गाछ आ गई थी दोस्तों, एकदम बेकार हो गया था। चलिए इस बार चेष्टा करूँगा कि बढ़िया से दिखाने की चेष्टा करूँगा, बढ़िया से पेच को दोस्तों गौर से देखते रहिए। बढ़िया खींचे काट दिया दोस्तों, देख सकते एकदम मौका ही नहीं दिया सबीर भाई को और स्कोर हो गई दोस्तों 4-1। तो फिर से पेच दिखाते हैं मंडल छोटका का और चलते दोस्तों पेच की ओर। ये देखिए हमारे सबीर भाई भी कट गए, अच्छे ट्राई किए थे भाई हमारे बट थोड़ी सी गलती होगी उनसे। देखते मंडल छोटका वर्सेज बरदान कैसी, स्कोर चल रही है दोस्तों 4-0। अभी भी गेम बाकी है दोस्तों, अगर बढ़िया से लड़ाएंगे मंडल छोटका तो जरूर कुछ स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों पेच की ओर चलते हैं, विसल हो गई है रेफरी की तरफ से। पेच को देखते हैं मंडल छोटका के खिलाड़ी नीचे से लड़ा रहे, ऊपर से बरदान कैसी, स्कोर चल रही है दोस्तों 4-0। चलिए दोस्तों पेच को देख लेते हैं क्या होता है, बढ़िया पतंग चला रहे दोनों, देखते दोस्तों क्या होता है। इस बार हमारे मंडल छुटका को काटना ही पड़ेगा दोस्तों अगर गेम में फिर से आपस करना है तो। चलिए देखते हैं क्या होता है, वरदान किसी के खिलाड़ी काफ़ी बढ़िया लड़ा रहा है दोस्तों। ये देखिए किस तरह से चिराव बनाया, काफ़ी चिराव बना लिया दोस्तों। नीचे वाली पतंग को फॉलो नहीं करना, ये सही का सारा हो गया दोस्त। ये देखिए ये दो पतंग को आपको फॉलो रखना है, ये दो पतंग देखिए, बढ़िया पेच लड़ रही दोनों के बीच में, बढ़िया जगह पे पतंग चला रहे मंडल छुटका के खिलाड़ी, ऊपर से बरदान कैसी। चलिए ये देखिए नीचे की तरफ, नीचे बुला रहे हैं उनको 100% और नीचे आएंगे नहीं भाई हमारे। ये देखिए ऊपर ऊपर खींचने की चेष्टा रहेगी उनकी, पेच को गौर से देखिए दोस्तों किस तरह से अटैक कर रहे हैं। ये देखिए बनाया जगह पे, बहुत बढ़िया काट दिया दोस्तों, आपने पेच देखा काफ़ी लाजवाब पेच थी, बढ़िया गद्दा झरके काटा और स्कोर हो गया दोस्तों 5-0। कट गए, अच्छे ट्राई थे भाई के द्वारा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, सभी बता रहे हैं उनके क्लब के जितने सारे मेंबर हैं, चाचा भी बैठ के सोच रहे क्या पेच हुआ ये वाली, हवा थोड़ी सी कम थी इस जगह। देखिए भाई हमारे कुछ बता रहे हैं पहाड़ी को, सर पेच दिखाते हैं हमारे। आइए दोस्तों सिलपाड़ा के गेम देखते हैं दोस्तों, बढ़िया गेम वाइट डेविल खिलाड़ी के साथ हमारे गोरा भाई लड़ाएंगे। चलिए दोस्तों पेच को देखते हैं और नीचे से सिलपाड़ा के खिलाड़ी लड़ाएंगे हमारे भाई। पेच देखते हैं, नीचे से सिलपाड़ा ऊपर से वाइट डेविल के खिलाड़ी, बढ़िया गेम लड़ रही दोस्तों। ये वाली पेच भी काफ़ी बढ़िया होगी मेरे ख्याल से। चलिए थोड़ा सामने चले जाते हैं, इसके बाद दिखाते हैं हम दोस्तों पेच को देखते हैं। सिलपाड़ा के खिलाड़ी काफ़ी अच्छे अटैक कर रहे हैं अंदर से, ऊपर से वाइट डेविल से हमारे गोरा भाई जो फंसाने में काफ़ी बढ़िया प्लेयर है। ये देखिए जगह पे रखा है भाई, हम आपको बताएं ना बहुत लाजवाब प्लेयर है हमारे गोरा भाई, लाजवाब काट दिया गोरा भाई, वेल डन गोरा भाई, किबेड अप, बहुत बढ़िया आपने काटा भाई। हमारे कट गया सिलपाड़ा के खिलाड़ी भाई, अब लड़ाएंगे। चलिए दोस्तों दिखाते हैं हमारा की जो स्कोर हो गई है 4-1। डीकेसी के भी जो स्कोर है वो भी दोस्तों 4-1 है, तो अभी देखिए क्या होता है दोस्तों। अभी तो पेच दिखाते हैं, नीचे से बरदान कैसी, ऊपर से सिलपाड़ा। चलिए दोस्तों बढ़िया गेम लड़ रही है आज हमारे बरदान कैसी, काफ़ी बढ़िया लड़ा रहे, देखते हैं दोस्तों। राकेश भाई के द्वारा पेच ऊपर से लड़ा रहे भाई,
पेच को देखते हैं गौर से, करीब लेकर आ रहे भाई। देखिए ये देखिए लेकर आया, मोड़ दिया, बढ़िया काट दिया राकेश भाई ने। ये हुआ पेच उनका, बहुत लाजवाब पेच। ये हमारे राकेश भाई के द्वारा पेश थी, काफ़ी बढ़िया पेच। ये येलो कलर की जो टी शर्ट पहने रखे हैं उन्हीं के द्वारा पेश थी वाली। दोस्तों पेच देखते हैं, नीचे वाली पहाड़ी लड़ा रहे हैं हमारा भाई, स्कोर चल रही है दोस्तों 4-1। पेच को गौर से देखिए, ऊपर से पंचू टिके हुए हैं, काफ़ी बढ़िया पेच लड़ा रहे हैं आज दोस्तों पंचू भाई के द्वारा। आज काफ़ी बढ़िया बढ़िया पेच दिखी, देखते हैं दोस्तों। हवा तो एकदम आज एकदम बेकार है दोस्त, लग ही नहीं रही कि टूर्नामेंट के गेम लड़ रही दोस्तों। हवा रहती तो बहुत बढ़िया गेम होता। आए दोस्तों पेच को देखिए गौर से, पंचू भाई के द्वारा ऊपर से अटैक, ये नीचे की तरफ उतारा, अंदर की तरफ रुक दे के रखा भाई, फिर से बाहर की तरफ, ये देखिए बनाया, बढ़िया खींचा, फिर कट गया भाई हमारे। स्कोर हो गई दोस्तों 5-1। तो अंधकार हो गई लास्ट तक, देखते हैं स्कोर 5-1 हो गई डीकेसी की। बढ़िया गेम, गेम लड़ेगी आज पूरा? नहीं पूरा गेम नहीं हुआ हवा की वजह से, अभी हवा तो एकदम ना बराबर है तब भी लड़ रहा है पतंग जी। ठीक है चलिए देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है, थोड़ा बातें करेंगे सब, क्या बातें कर रहे हैं सब आपस में। एकदम आइए राकेश भाई, आइए रिंग पे आ जाइए, अब जबरदस्त मैच होने वाला। राकेश भाई की पेच आपने देखा था, काफ़ी लाजवाब काटा था राकेश भाई, अब नीचे से घर लेंगे राकेश भाई हमारे। चलिए दोस्तों पेच देखते हैं, बरदान केसी वर्सेस राकेश भाई, आप लोग का टीम का नाम क्या बताया था? सील पारा काइट्स। सॉरी दोस्तों बार बार, चलिए चलते हैं दोस्तों पेच।